पूरी जगह हम लोग के लिए पुण्य भूमि है, वो जगह हम लोग की पूजनीय है, इसलिए हमने मांग की है कि जहाँ पे आज की सो कॉल्ड मस्जिद है वो मस्जिद नहीं है, वो इंक्रोचमेंट है, हिंदू लैंड पे इंक्रोचमेंट है, बलात् कब्जा किया हुआ है। मैदान भी जो ईदगाह बोलते हैं वो भी हिंदुओं का है, वो जीत चुके हैं हिंदू लोग, लेकिन वही होता जब तक कोई आंदोलन न चालू किया जाए तब तक प्रशासन भी जगता नहीं है। आज जो है काशी मथुरा की बात लोग करने लगे, ये हिंदुस्तान को बिगाड़ना चाहते हैं, ये हिंदू मुसलमानों को विवाद को लड़ना चाहते हैं, इनको शायद ये नहीं मालूम है कि हिंदुस्तान की तरक्की ये लोग रोक रहे हैं। अयोध्या मुकदमे में विजय हुए रामलला विराजमान के बाद अब मथुरा श्री कृष्ण विराजमान ने भी अपने हक के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा दिया है। मथुरा की अदालत में एक सिविल मुकदमा दायर कर श्री कृष्ण विराजमान ने अपनी जन्मभूमि मुक्त कराने की गुहार लगाई है। इस याचिका के जरिए 13.37 एकड़ की श्री कृष्ण जन्मभूमि का स्वामित्व मांगा गया है, जिस पर मुगल काल में कब्जा कर शाही ईदगाह बना दी गई थी, यह कथित रूप से है। अब इसके अलावा अब इस 13.37 एकड़ जमीन में शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग की गई है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि आखिरकार ये पूरा मुकदमा है क्या। देखिए, ये सूट बेसिकली मथुरा की सिविल कोर्ट में दायर किया गया है बिफोर सिविल जज सीनियर डिवीजन, और ये सूट भगवान श्री कृष्ण विराजमान ने फाइल किया है। इस सूट की बेसिक हिस्ट्री ये है कि अगर हम इतिहास में जाएंगे तो 1618 में ये प्रमाण मिलता है इसका कि ये मंदिर वहाँ पे जो आज की डेट में है और उससे भव्य मंदिर राजा वीर सिंह बुंडेला ने बनवाई हुई थी। जब 1670 में औरंगजेब वहाँ पे आया तो उसका फरमान है वो भी हमने ऑन रिकॉर्ड पे लगाया है, जिसमें उन्होंने ऑर्डर किया था कि वहाँ पे वो मंदिर है उसको डिमोलिश किया जाए। उसके बाद 1770 में मराठा वहाँ पे आए, जिन्होंने बैटल ऑफ गोवर्धन में वो पूरा एरिया जीता, आगरा और मथुरा को नजूल लैंड डिक्लेयर किया गया। और उसके बाद 1803 में जब ब्रिटिशर्स आए तो ब्रिटिशर्स ने पूरी प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली, और 1815 में राजा पटनीमल ने, जो बनारस के राजा थे, उन्होंने ये संपत्ति कटरा केशव देव 13.37 एकड़ लैंड ऑक्शन में खरीदी। इसके बाद काफ़ी केसेस बीच में हुए, वो सारे केसेस हिंदू जीतते रहे। इन द मीन टाइम 1951 में मदन मोहन मालवीय जी के संरक्षण में एक ट्रस्ट बना जिसे कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट कहते हैं, और 1968 में एक सोसाइटी ने एक कॉम्प्रोमाइज़ एंटर किया बिटवीन वो सोसाइटी और मुस्लिम्स के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, जिसके तहत जो ज़मीन हिंदू पक्षकारों की थी, जो ज़मीन ट्रस्ट की थी, जो ज़मीन भगवान की थी, वो उनको दे दी गई, जिसको आज हमने मथुरा की सिविल अदालत में चैलेंज किया, ये कहते हुए कि सोसाइटी का इस प्रॉपर्टी से कोई रोल नहीं था और ये संपत्ति ट्रस्ट की है, ये संपत्ति ट्रस्ट को दी जाए और भगवान श्री कृष्ण की ये संपत्ति है, 13.37 एकड़ का हर एक इंच हमारे लिए पूजनीय है। और आज की मौजूदा स्थिति में भी आज की ग्राउंड रियलिटी और फैक्ट ये है कि जहां पे भगवान का जन्म स्थान था वो जगह आज की डेट में मस्जिद में है, तो हमने उस जगह को रिक्लेम किया। अब जब मथुरा में श्री कृष्ण विराजमान ने अदालत का दरवाजा खटखटा ही दिया है तो इस पर तरह तरह की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तो आनी ही थी। इसी क्रम में बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद विनय कटियार ने कहा कि जिसने भी याचिका दायर की है भैया अच्छा काम किया है। मथुरा में विराजमान श्री कृष्ण के पक्ष में दाखिल याचिका एक सराहनीय कदम है। जहां कृष्ण का जन्म हुआ उस गर्भगृह पर मस्जिद है, उस पर रास्ता कृष्ण जन्मभूमि से होकर जाता है। उन्होंने कहा कि जिस पर दूसरे संप्रदाय के लोगों ने बलपूर्वक कब्जा किया है, जिसको दूसरा पक्ष ईदगाह बोलता है, वो हिंदुओं का है, जिसको हिंदू पक्ष जीत चुके हैं। जहां भगवान कृष्ण पैदा हुए हैं वो गर्भगृह पर मस्जिद है, और उसका रास्ता कृष्ण जन्मभूमि से जाता है। बलात् कब्जा किया हुआ है। मैदान भी जो ईदगाह बोलते हैं वो भी हिंदुओं का है, वो जीत चुके हैं हिंदू लोग, लेकिन वही होता जब तक कोई आंदोलन न चालू किया जाए तब तक प्रशासन भी जगता नहीं है। तो वहाँ तो केस भी जीत चुके हैं लेकिन अंदर का हिस्सा बाकी है जहाँ पर लड़ाई लड़नी है और वो कब्जा लेना है। उधर बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने कहा कि हिंदू और मुस्लिम की राजनीति करने वाले लोग इस मामले को बढ़ा रहे हैं। इकबाल अंसारी ने कहा कि हिंदू और मुसलमान का विवाद हम बिल्कुल नहीं चाहते, ये हमारा मकसद बिल्कुल नहीं है, लेकिन चंद लोग ऐसे हैं जो मंदिर और मस्जिद के विवाद को चलाते रहना चाहते हैं जैसे कि उनकी रोजी रोटी चलती हो। आज जो है बाबरी मस्जिद का मसला रहा, 50 साल
मामला जो है कोर्ट में रहा, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। आज जो है काशी मथुरा की बात लोग करने लगे, ये हिंदुस्तान को बिगाड़ना चाहते हैं, ये हिंदू मुसलमानों को विवाद को लड़ाना चाहते हैं। इनको शायद ये नहीं मालूम है कि हिंदुस्तान की तरक्की ये लोग रोक रहे हैं। आज देख लें कि हिंदुस्तान की तरक्की कहाँ जा रही है। एक तरफ तो कोरोना जो है दबड़ाए हुए है, और एक तरफ बिजनेस भी जो है हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमानों का बिजनेस भी जो है बिल्कुल डाउन होता जा रहा है। कम से कम ये जो है जात की राजनीति करने वाले, धर्म की राजनीति करने वाले, कम से कम ये देश के बारे में सोचें कि हिंदू मुस्लिम का विवाद जो है खत्म करें। उनको भी भगवान के पास जाना है और अल्लाह के पास जाना है। तो ये तो कुछ खास लोगों की इस पर प्रतिक्रियाएं रही हैं। ये बात भगवान श्री कृष्ण विराजमान कटरा केशव देव खेवट मौजा मथुरा बाजार शहर की ओर से उनकी अंतरंग सखी के रूप में वकील रंजना अग्निहोत्री और 6 अन्य भक्तों ने दाखिल किया है। हालांकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 इस मामले के आड़े आ रहा है। इस एक्ट के जरिए विवादित राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मुकदमेबाजी को लेकर मालिकाना हक पर मुकदमे में छूट दी गई थी, लेकिन मथुरा काशी समेत सभी धार्मिक या आस्था स्थलों के विवादों पर मुकदमेबाजी से रोक दिया गया था। आखिरकार एक विवाद वो था जिसके लिए कई आंदोलन हुए, रथ यात्रा निकली, राजनीतिक उथल पुथल हुए, कई जाने गई, और लंबे कानूनी कार्रवाई के बाद हाल ही में उसका निपटारा हो पाया, और अब ठीक उसी तरह का विवाद पनपना शुरू हो चुका है। अब देखते हैं भगवान राम के बाद भगवान श्री कृष्ण को कब तक उनका ये कथित हक मिलेगा।